हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। राधाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाली के जन्म की आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज का टॉपिक है कि अगर हमारे घर पर राधा रानी नहीं है, उनकी कोई तस्वीर या फ़ोटो भी नहीं है, तो हम राधाष्टमी की पूजा कैसे करें और व्रत कैसे करें। तो देखिए, अगर आपके घर पर नहीं है राधा रानी या आपके पास में भी आपको नहीं मिल रही हैं, तो आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं। आपको पता है राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। जहाँ राधा रानी प्रसन्न है वहाँ हमारे कान्हा जी प्रसन्न है, और जहाँ कान्हा जी प्रसन्न है वहाँ हमारी राधा रानी प्रसन्न है। तो आप अपने घर के लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाएं, और राधा रानी बनाकर आप पूजा करें। सबसे पहले आप सुबह उठें, आप 4 बजे जन्म कर रहे हैं सबसे पहले, तो 4 बजे उठ के अपने लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान करने के बाद उनका श्रृंगार ना करें, उन्हें कॉटन के वस्त्र पहनाएं, कॉटन की हल्की सी, क्योंकि तभी जन्म करते हैं तो बहुत हल्की सी ड्रेस पहनाई जाती है। जब सुबह आप श्रृंगार आरती करें, श्रृंगार करें, पूजा करें, भोग लगाएं, तब उनका आप अच्छे से श्रृंगार करें। श्रृंगार कैसे करना है उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है। तो श्रृंगार अच्छे से श्रृंगार करें, क्योंकि लाली का जन्मदिन है। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि आपके यहाँ राधा रानी नहीं है। बहुत से ऐसे घर हैं जिनके यहाँ राधा रानी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, तो वह अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाकर पूजा कर सकती हैं। तो ये तो हो गया ये टॉपिक कि अगर राधा रानी नहीं है तो पूजा। अब देखिए, सुबह मैंने अभी बताया पंचामृत स्नान कराना है, उसके बाद सुबह कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं, उसके बाद आप 7 बजे करें, 8 बजे करें, मतलब 12 बजे तक ही पूजा होती है, 12 बजे से तक करनी होती है, क्योंकि राधा रानी का जो जन्म हुआ था वो 12 बजे हुआ था। तो अगर आप 12 बजे तक जब भी करें, तब राधा रानी को अच्छे से नीले कलर की पोशाक पहना के, मतलब लड्डू गोपाल को जब राधा रानी बनाएं, क्योंकि राधाष्टमी को नीला कलर ही पहनाया जाता है, तो नीला कलर कोशिश करें। अगर नीला कलर नहीं है तो फिर तो देखिए भाव की बात है, अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो राधा रानी सब कुछ स्वीकार करती हैं। तो आप राधा रानी को नीले कलर की ना पहना पा रहे, कोई बात नहीं, मन में कोई ऐसी चीज़ ना लाएँ, तो जो आपके पास है आप वो पहना सकती हैं। अगर आपके मन में ये है कि हमारे पास नई पोशाक नहीं है पुरानी, तो कोई बात नहीं, आप गंगा जल के छींटा लगाकर आप पोशाक पहना सकती हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा आता है कि लोग कहते हैं हमारे पास तो नई नहीं है, हम क्या पहनाएं, तो ऐसा नहीं है, आपके पास पुरानी पोशाक है तो आप गंगा जल डाल के छींटा मार के उसे शुद्ध करके पहना सकती हैं। देखिए, राधा रानी जो हैं वो आप भी जानते हैं बहुत ही दयालु हैं, वो सिर्फ भक्त के भाव देखती हैं, भक्त को कष्ट में नहीं देखती हैं। क्योंकि राधा रानी का व्रत जो होता है वो 12 बजे तक ही होता है, क्योंकि वो अपने भक्त को भूखा प्यासा नहीं देख सकती, इसलिए उनने अपना जो व्रत है वो दोपहर 12 बजे तक ही बताया है। वो हमारे ऊपर है कि हम 12 बजे तक रहती हैं या निर्जल रहती हैं या शाम को व्रत का पारण करती हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाइए और राधाष्टमी अच्छे से मनाइए। राधाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।